वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर फ्रॉम प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल एंड टुडे इज़ योर मैथ्स क्लास. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. टुडे स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 1 विच इज़ नंबर सिस्टम. ओके, सो यू जस्ट लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. So in this chapter we have to continue from rounding of numbers. A newspaper report read, about 4 lakh tickets were sold for the Commonwealth Games. So इसमें क्या बताया students, एक newspaper report पढ़ी गई जिसमें लिखा हुआ था Commonwealth Games के लिए about 4 lakh, ठीक है, तो 4 lakh के आसपास टिकट्स बेची गई. ओके, सो स्टूडेंट्स, डू यू थिंक इट वॉज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड? क्या आपको लगता है कि ये जो नंबर बताया गया है ये एग्जैक्ट नंबर है टिकट बेचने का? नो, द एक्चुअल नंबर मे हैव बीन 389,456, but often we round off numbers as an estimate. So students, ये exact number नहीं है about 4 lakh tickets. No, so ये exact number नहीं है. ये क्या हो सकता है students? ये हो सकता है 389,456. ओके, ये इतना हो सकता है. क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, इसका राउंड ऑफ किया है. वी राउंड ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड सो ऑन. एंड स्टूडेंट्स, हम जब नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं तो वो किस में करते हैं? टेंस में, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स और बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जिसके नियरेस्ट हम नंबर्स को क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, वी विल लर्न फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर. ओके, हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे जो हमें डिजिट्स दी होती हैं, ठीक है, जब हमें कोई डिजिट्स दी होती हैं तो उनकी हेल्प से हम ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाना सीखेंगे. ओके, नाउ सी एन एग्जाम्पल. राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर्स यूजिंग 8, 7, 6, 1, 3, 5 एंड 4. हमें क्या करना है इसमें? हमें ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है, नंबर लिखना है और किसकी हेल्प से? जो हमें डिजिट्स दी है, ये हमें 7 ही डिजिट्स दी हैं और 7 डिजिट का ही हमें एक नंबर बनाना है. ओके, सो लेट्स सॉल्व इट. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग. टू गेट द ग्रेटेस्ट नंबर वी अरेंज द गिवन डिजिट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, अगर हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है. क्या बनाना है हमें? अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो जो भी डिजिट्स यहां पर दी है उनको हम क्या करेंगे, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे. डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जब हम पहले सबसे बड़ी डिजिट लिखते हैं, फिर उससे छोटी और उससे छोटी करके हम लिखते रहते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हम क्या करेंगे, इन डिजिट्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. सो सबसे बड़ी डिजिट है 8, 7, 6, 5, 4, 3 एंड 1. ये हमारी क्या बनी, ये हमारी ग्रेटेस्ट नंबर बना. ओके, एंड वी विल पुट कॉमा हियर एंड हियर. ओके, सो दिस इज 87,65,431. ओके, इन 7 डिजिट्स की हेल्प से हमने क्या करा है, सबसे बड़ा नंबर यहां पर लिखा है. एंड
Now what we have to do? We have to write smallest number. Okay? So, to get the smallest number, we arrange the given digits in the ascending order. Okay? अगर हमें smallest number लिखना है, okay? अगर हमें smallest number लिखना है, तो हम क्या करेंगे students? हम जो digits यहाँ पर दी हैं, ठीक है? उनको हम ascending order में लिखेंगे. Ascending order means पहले हम सबसे छोटे डिजिट लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. ओके, मींस इसका क्या करेंगे हम, उल्टा कर देंगे. ओके, तो सबसे छोटे डिजिट क्या है? 1, देन 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. ओके, एंड वी विल पुट कॉमा हियर एंड हियर. ओके, सो दिस इज 13,45,678. ये हमारी क्या बनी? ये हमारी स्मॉलेस्ट नंबर बना. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न राउंडिंग ऑफ नंबर्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, राउंडिंग ऑफ नंबर्स अब हम सीखेंगे. ओके, सी एन एग्जाम्पल इज गिवन. राउंड ऑफ 1,32,95,179 टू द नियरेस्ट. अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमें ये जो यहाँ पर नंबर दिया है इसका राउंड ऑफ करना है. बट वो किसके नियरेस्ट होना चाहिए? वो नियरेस्ट होना चाहिए हंड्रेड्स के, टेंस के एंड लैक्स के. ओके, सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. यहां पर हमें क्या करना है? हंड्रेड्स के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है. ओके, सो हम इनके क्या देखेंगे? प्लेस वैल्यू देखेंगे क्या है. तो हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू कहाँ आती है? दिस इज वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स. हंड्रेड्स यहां पर आ रहा है, राइट? तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो डिजिट है 1, इसमें हम 1 प्लस कर देंगे. ओके, सो 1 + 1 = 2. एंड इसके जो राइट हैंड साइड डिजिट्स है उनके प्लेस पर हम यहाँ पर 0 लिख देंगे. एंड जो लेफ्ट हैंड साइड डिजिट्स हैं उनको हम एज इट इज लिख देंगे. 5, 9, 2, 3, 1. ओके, ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये राउंड ऑफ हुआ किसके नियरेस्ट? हंड्रेड्स के नियरेस्ट. ओके, नाउ सी द सेकेंड वन. अब हमें इसमें क्या करना है? हमें राउंड ऑफ करना है, बट वो नियरेस्ट होना चाहिए टेंस के. ओके, सो वंस एंड टेंस, टेंस की प्लेस वैल्यू तो यहां पर आ रही है, राइट? तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारी इसकी नंबर वैल्यू है, टेंस की जो नंबर वैल्यू है उसमें हम 1 प्लस कर देंगे. ओके, सो 7 + 1 = 8. एंड जिसके राइट हैंड साइड पर डिजिट है उसकी प्लेस पर हम 0 लिखेंगे. एंड लेफ्ट हैंड साइड वाले डिजिट्स जो भी हैं वो एज इट इज आ जाएंगे. 5, 9, 2, 3, 1. ओके, सेम लाइक दिस हमें ये करना है. हमें इसमें क्या करना है? लेग्स में, लेग्स के नियरेस्ट हमें राउंड ऑफ करना है. ओके, सो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1,000, 10,000, ओके, एंड देन 1 lakh. ओके, सो 1 lakh यहां पर आ रहा है. हम इसमें क्या करेंगे? 2 में 1 प्लस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा. एंड इसके राइट हैंड साइड वाले डिजिट्स जो भी है उसकी प्लेस पर 0 आ जाएगा. ओके, एंड जो लेफ्ट हैंड साइड वाले डिजिट्स हैं वहां पर क्या आ जाएगा? वो एज इट इज आ जाएंगे, लाइक दिस. Okay, so I hope you understood today's class. If you have any query, you can ask to me freely. So thank you so much.